Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 7. In that, exercise 13.2. Dear students, in last session we did up to question number 3. And question number 4th, dear students, you have to do by yourself because it is same, is like that in previous we already did. That is, express each of the following as a product of prime factors only in exponential form. ये students, यहाँ पे हमें 108 and 192 है, तो दोनों का LCM निकाल के जो उसका exponential form बनता है, हाँ, हमें उस तरह से लिखने हैं. वो हमने exercise 13.1 में question number जो third किया था, okay? उसी तरह सेम एज इट इज हमें ये क्वेश्चन करना है, ओके? इसलिए ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, सिंप्लीफाई. सो डियर स्टूडेंट्स, हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू पावर ऑफ पावर. हाँ, एक्सपोनेंशियल का भी एक्सपोनेंशियल है तो हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं. सो 2 raised to 5 to the 10. एंड इन डिनोमिनेटर में, डियर स्टूडेंट्स, मैंने 8 को 2 के फॉर्म में कन्वर्ट किया है. वाई ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास 2 का पावर है, इसलिए. तो 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3, दैट मीन्स 8, एंड 8 के पावर 3 है वो, मैंने एज इट इज लिखा. तो 3 3 ज़ा 9, ओके, डिनोमिनेटर में उसकी पावर 9 हो जाएगी. एंड इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे एज इट इज, तो हमें आंसर मिलेगा 2 raised to 1, 2 की पावर 1, एंड 7 raised to 2, 7 की पावर 2. ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. इसमें ही डायरेक्टली मैंने आंसर लिखा है, 25 multiply 5 का पावर उसको 2, 8 की पावर 8 है तो मैंने 8, सॉरी, t का पावर 8 है तो 8 को मैंने 8 टाइम्स लिखा है. इन डिनोमिनेटर 10 का क्यूब, 10 को 3 टाइम्स, एंड t की पावर 4, सो t है वो 4 टाइम लिखा है. अब डियर स्टूडेंट्स, 25 को भी मैंने 5 में कन्वर्ट कर दिया, 5 5 ज़ा 25, ओके. देन आफ्टर, जो t के सिमिलर है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, वो रिमूव हो जाएंगे. एंड 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 वो 3 टाइम होंगे. तो बाकी का जो थिंग्स बचा, दैट इज़ अवर आंसर, 5 multiply t raised to 4, एंड इन डिनोमिनेटर दैट इज 2 है वो 3 टाइम्स है. सो 2 raised to 3, दैट मीन्स 2 raised to 2 का क्यूब, ओके. तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें करना है. यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दैट, एंड लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस में करना है. नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.3, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपांडेड फॉर्म, ओके. हमें ये एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये थिंग्स हम स्मॉलर स्टैंडर्ड में भी सीख के गए हैं. फर्स्ट वन 2 है, तो 2 के बाद कितने डिजिट है? 7 9 4 0 4, तो 1 2 3 4 5, तो 2 के बाद 5 0 लगा दो, प्लस 7 के बाद 4 डिजिट है, तो 7 के बाद 4 0, 9 के बाद 3 डिजिट है तो प्लस 9000, 4 के बाद 2 डिजिट है तो प्लस 400, 0 है तो 0, 4 का 4. नाउ डियर स्टूडेंट्स, 2 लेके उसको मैं 2 multiply 1 lakh लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 lakh multiply 2 तो 2 lakh ही होगा. तो ऑलवेज यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 2 multiply 1 लिख के जितने 0 है वो, उसी तरह प्लस 7 multiply 1 लिख के जितने 0 है वो, उसी तरह 9 multiply 1000 1000 multiply 9 तो 9000, प्लस 4 multiply 100 400 हो जाएगा, प्लस 0 का 0, 4 multiply 1. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? 2 multiply 1 लेके उसको मैं 10 raised to 5 लिख सकता हूँ, ओके. ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? बिकॉज वी हैव टू गिव द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सो 2 multiply 10 raised to 5, 1 लेके उसका 1 के बाद जो 0 है वो, एंड जितने 0 है वो कंसीडर कर. 7 multiply 10 raised to 4 प्लस 9 multiply 10 raised to 3, 1000 है उसको हम 10 raised to 3 लिखेंगे, बिकॉज 10 multiply 10 multiply 10 करेंगे तो 1000 ही मिलेगा. एज इट इज़ 4 multiply 10 raised to 2 प्लस 0 multiply 10 raised to 1, बिकॉज 10 raised to 1 दैट इज़
10 and when we multiply it by 0, so it will be 0 plus 4 multiplied 10 raised to 0. 10 raised to 0 means 1 and 1 4 is 4. इस तरीके से हमें लिखना ओके. सेकंड क्वेश्चन उसी में 3006194. अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट द 0. 3 के बाद कितने डिजिट है? 6. सो वी हैव टू राइट 3 एंड देन आफ्टर 6 0. 0 का 0 देन आफ्टर 6000 प्लस 100 प्लस 90 प्लस 4. देन अगेन इन नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट 30 lakh इज 3 मल्टीप्लाई 10 lakh प्लस 0 प्लस 0 6000 को 6 मल्टीप्लाई 1000, 100 को 1 मल्टीप्लाई 100, 90 को 9 मल्टीप्लाई 10 एंड 4 दैट इज 4 मल्टीप्लाई 10 रेस टू 0. सो 3 मल्टीप्लाई 10 lakh वी कैन राइट 10 रेस टू 6 प्लस 0 प्लस 0 and 6 multiplied 10 raised to 3 that is 1000 plus 1 multiplied 10 raised to 2 and as it is okay. So today we have to complete our today's session. Write all the question in your notebook and practice it well so you can do it easily. Take care. Thank you.